depositional landform. And write down in the depositional landform. In desert. In desert. Depositional landforms are formed by the deposition or piling of sand. Deposition and piling of sand, and it is known as sand dune, and it is known as what? And it is known as, there are following types of sand dune. First, longitudinal sand dune. Longitudinal sand dune. In the bracket you write SEIF. S-E-I-F. SEIF. Longitudinal sand dune. In the bracket you write SEIF. SEIF in Sahara. So this longitudinal sand dune ko Sahara mein kya kehte hain? SEIF. Understood? Next one I said transverse sand dune. Thereafter I said star sand dune. Then I said Barkhan. B-A-R-C-H-A-N, Barkhan sand dune. These four sand dunes are formed in desert. Ye jo pehla four aapne likha, which I said first longitudinal, second transverse, third I said star, and then fourth I said Barkhan. These are in the desert. Fifth and the last, it is parabolic. Parabolic sand dune. Understood? Parabolic sand dune. And it is formed along the coast. Kahan pe banta hai? Formed along coast. सबसे बड़ी चीज है कि ड्यून्स, जनरल ड्यून जो होता है, यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, सैंड इज मूविंग, तो सैंड स्पीड डिक्रीजेस एंड दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन दिस साइड. यस, और ये सैंड यहां पे डिपॉजिट होते रहता है, एंड सैंड इज व्हाट? लूज पार्टिकल. सो ये कीप ऑन, व्हाट इज इट, moving like this, slipping. Thereafter it become large enough. और ये साथ में इधर भी deposit हो रहा है. It become large enough. उसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे कुछ particle आते आते यहां पे गिरने लग जाते हैं. And इसके बाद it started what? It is in a wind phase and it is known as what? Slip phase. और यहां पे sand क्या होता है? Slip. And it is wind phase. और इसकी हाइट 80-90 मीटर हो जाती है. अंडरस्टूड? कभी आपने गाड़ियों को देखा है, जब गाड़ी चढ़ते हैं उसमें से वो दिखाता है, एसयूवीज उतरते हुए दिखते हैं, तो गाड़ी बहुत छोटा लगता है, देखा है? सो दीज आर व्हाट? सैंड ड्यून्स. इट इज इन अ स्लिप फेस.
और यहां पे क्या डेवलप हो जाता है, एक हॉर्न डेवलप ना, ऐसा हॉर्न डेवलप हो जाता है यहां पे, तो विंड इज कमिंग एंड द डेवलप एन व्हाट हॉर्न, और ये स्लिप फेस हो जाता है। अंडरस्टूड इट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इट इज व्हाट लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून, व्हिच आई सेड दैट, एंड देन अपने नोट्स को भी देखते चलेंगे। फर्स्ट व्हिच सैंड ड्यून वी आर वॉचिंग, लॉन्गिट्यूडनल, कहां पे थे हम? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून, तबियत ना, कहाँ थे हम? आप बर्नौलिस प्रिंसिपल जानते होंगे, व्हाट इज बर्नौलिस प्रिंसिपल? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑलवेज कंजर्व, और एक ही हाइट पे लगभग आप देखते हो कि लगभग पोटेंशियल एनर्जी उतना मैटर नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर नीचे में। आई सेड, एंड आपने देखा था कि हवाई जहाज में मैंने क्या बताया था, यहां पर ये पोर्शन था, जैसे ही उसे लगा कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और यहां पे कम है, यहां का विंड इधर मूव करके इसको फिल करने लग गया। यस, वर्लिंग ऑफ द विंड, ऐसे ही आप लोगों को मैंने बताया था, वर्लिंग ऑफ वाटर इन द रिवर, द रिवर क्लिफ आउटसाइड ऑफ द आउटर बैंक ऑफ द रिवर एंड द इनर बैंक ऑफ द रिवर में आपने देखा था व्हाट, स्लिप ऑफ स्लोप, एक दिन टेस्ट लेना पड़ जाएगा, एक दिन डिसाइड करके आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। कहां पे थे हम? अच्छा, रिवर क्लिफ, वर्लिंग। तो सपोज फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी विच ड्यून, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून। एक बात मैं आप लोग बता दूं, जो चीज सबसे ज्यादा आसान लगे और समझ में आ जाए तो उसको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप जहां भी पढ़ते होंगे सबसे ज्यादा आप यहीं पे एक बार में ये चीजें समझ में आ जाते होंगे, उसके बाद यहां तक तो गारंटी है, उसके बाद आप क्या करते हो, लेस इंपॉर्टेंस, मुझे तो समझ में आ गया है, मैं बार बार बाद में एक बार पेज फ्लिप करूंगा। चलिए, तो जो चीज आपको अच्छे से आए उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सो दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग, नहीं तो एक कहा जाता है संस्कृत में, निश्चित इज निश्चित एंड अनिश्चित इज अनिश्चित, दो चीजें हैं, आप निश्चित को छोड़कर जो आपको अच्छे से आता है उसको छोड़कर किधर की ओर जाते हैं, जहां पे अभी डिलेमा में आप अनिश्चित की ओर, तो अनिश्चित तो अनिश्चित ही, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं आप, 10 बार खत्म करते रहते हो, फिर एग्जामिनेशन हॉल में फिर भी आप इस ये चक्कर पड़ जाता है, यार मेरा वो हॉल आता था उसको रिवाइज नहीं किया मैंने, और इस रिवाइज के चक्कर में स्ट्रांग वीक बन जाता है, और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं खाली डब्बा बजा समझ में आ गया, तो जो आपको अच्छे से आए ना रिवीजन अच्छा करना चाहिए, आगे आपकी मर्जी, certain things certain will be always certain, uncertain will be always uncertain, if you go for uncertain, certain will become uncertain, understood? So I said longitudinal sand dune, to yahan par bhi aise hi hai, to maine bola longitudinal sand dune, and longitudinal wave kya hota hai, what is the longitudinal wave, it is in a vibration of the particle of wave is in the direction of the wave, jis direction mein wave ja raha hai usi direction mein kya ho raha hai, vibration, yes or not, my sound wave, rarefaction, compression, understood? And transverse wave, vibration is in the direction, sorry, direction of the wave is in the direction, but particles are vibrating like this, understood? Perpendicular to the direction of the wave. So, pehla hum log chal rahe longitudinal wave, understood it? Maine bola large supply of sand. Humne kya bola? What is there?
large supply of sand. यहाँ पे क्या है, just tell me, large supply of sand. Constant wind, constant wind speed, speed constant रहेगी and faster. Constant wind speed and first क्या बोलने बोला, large supply of sand. Then I said constant wind speed and faster. Third and last, no vegetation. No, what are the three things I said that? Large supply of sand, constant wind speed and faster. And no vegetation. Three things I am talking about. अब आप डेजर्ट को समझे कि यहाँ पे सैंड बहुत सारा है, लार्ज सप्लाई ऑफ सैंड, ऐसे ऐसे उठा हुआ है. एंड देन व्हेन द विंड इज मूविंग फास्टर, तो ये सैंड को ऊपर नीचे ऐसे देखा और उसके वजह से क्या करने लगा, स्टार्टेड वर्लिंग. एंड दे स्टार्टेड व्हाट इज इट, डिपोजिटिंग द सैंड फ्रॉम हियर एंड देन डिपोजिटिंग अलोंग दिस, डिपोजिटिंग द सैंड फ्रॉम हियर एंड डिपोजिटिंग अलोंग दिस. Then started moving and depositing the sand from here and then started what? Depositing along this side. Understood? And then here it is moving, depositing on this. So, jahan thoda sa jyada depression mil gaya aur wind ka depth kya mil gaya? Jyada, to wahan se fill karne ke chakkar mein started what? Whirling. And this way, yadi koi bhi vegetation ya block hota hai, to sand saare uske aaspas deposit hota hai. To sand dune aisa banta hi nahi. To phir ek, what is it? Along the blocks. Jaise abhi maine dikhaya. It is forming along the block or some obstruction. Like I said that it is in the case of it. तो यहाँ पे साफ शब्दों में है कि there is no vegetation, means कहीं पे भी sand के movement को blockage नहीं है. Understood? So they keep depositing. So we have seen that the wind speed is this direction and the deposition of sand is also in the same direction. So can I say that it is in longitudinal sand dune? I said that large supply of sand. And then constant wind speed and faster. And wind speed and constant wind direction. And then it is moving faster. Wind direction change nahi hona chahiye. And then wind speed, constant wind speed and direction should be also same, but it should be faster. Understood? And thereafter no vegetation. तो इस तरीके से आप लोग क्या देख लेंगे, और जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ तो उसको मत सोचिएगा सैंड डून बहुत छोटा है. This is in a which longitudinal sand dune. This comes under deposition of sand in the direction of the wind. Simple. Understood it? Like in the reason behind, understood it? Next, जो देखने जा रहा हूँ, I said that transverse sand dune. Transverse sand dune. All the features are similar to the longitudinal sand dune. सारा यही चीज मैं लूंगा. Large supply of sand, constant wind direction and speed, but slower. यही एक है. And then after I said that no vegetation. First I said that large supply of sand, constant wind speed and direction, and slower speed. Understood? Thereafter no vegetation. तो यहाँ पे sand बहुत सारा है. And आपको ही पता है कि wind क्या करता है, sand को deflect करेगा. When the wind comes, so इसके पास तो energy है ही नहीं कि वो ऐसा ऐसा कुछ करे. इसने थोड़ा सा uplift किया. But it has not energy. Then leave this sand over there. Thereafter it again uplift from here. And then leave it over there. Because it has less energy. Then again lift the sand and then leave it. So, यहाँ पे क्या दिख रहा है? The sand is uplifted by the slow speed, less energetic wind, and then keep on depositing like this. Understood? So, this way we are able to see that deposition of sand dune is what is in a perpendicular to the direction of the wind. Wind के perpendicular है. Yes or not? Deposition of sand is perpendicular to the direction of the wind. Understood it? So, समझ में आ गया? And आप इसको छोटा बच्चा समझ के डराना मत, ये छोटा छोटा नहीं है. दिख रहा है ये यहाँ पर क्या है, शैडो है. ये बहुत छोटा छोटा होता तो सन का रेज यहाँ पर भी पड़ता रहता. समझ में आ रहा है? दिस आर व्हाट, शैडो.
and then large dunes gives either sunrise and then it is giving shadow. So these are what I said, that these are what? Transverse sand dune. Understood it? Next one that we have to see, which one I said? Star sand dune. Yeah, bahut asaan hai star sand dune. Star tabhi banega jab I said that wind direction is variable. कभी एक डायरेक्शन में नहीं वहां पे फ्लो कर रहा है, कभी इधर कभी इधर. सो व्हाट आई सेड दैट इफ इट इज मूव फ्रॉम हियर डिपॉजिटेड ओवर देयर, इट मूव फ्रॉम हियर डिपॉजिटेड ओवर देयर, इट मूव फ्रॉम हियर डिपॉजिटेड. सो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट ड्यून्स आर इन विच फॉर्म, इन विच फॉर्म? स्टार. अंडरस्टूड इट? समझ में आ गया? सो वी हैव सीन विच आर द सैंड ड्यून, longitudinal sand dune, transverse sand dune and star sand dune. Understood it? Next one that I said, that Barkhan. This is your Barkhan. And Barkhan यदि आप देखोगे, it is this Barkhan. ये सबसे पहले चीज है कि isolated feature है, ऐसा और कोई नहीं रहेगा. सबसे बड़ी चीज है यहां पर sand दिख रहा है या बहुत कम? Less supply of sand. यहां पे क्या रहेगा? Less supply of sand. Understood? Less supply of, and sand supply is very less in this region. And thereafter, the supply of sand is very less. Yes, tell me. And there is in a one block of rock. What is there? One piece of block of rock. And then sand keep on moving for longer time, keep on depositing. And धीरे धीरे क्या हो गया? That is in a same way, it become on a wind face, and that becomes sea face, and around this what developed? Horn. So horn developed in the direction of the wind. Is it okay? Samajh mein aa chuka? And this is an isolated feature. Remember that it is what? And wahan par ek large piece of rock hai, jiske charo taraf kya ho raha hai? Sand is depositing. Understood it? And in this region, supply of sand will be very, very. So which are the, and इसमें horn किधर है? In the direction where the wind is moving. Understood? These are the four important sand dunes of what? Desert. And one sand dune that we are going to see, coastal sand dune. Coast पे आप sand देखते हैं? Sand देखा आपने sea beach and all? सैंड होता है कि नहीं होता है? हाँ, वहां सैंड होता है. और कोस्टल रीजन में आई सेड दैट यदि सी वाटर यहां पर है तो यहां पर भी क्या होगा? वाटर टेबल थोड़ा सा नियर बाई रीजन का वाटर टेबल में क्या रहेगा? सी वाटर. एंड देयर इज इन सैंड, एंड देन सैंड विंड कम्स परपेंडिकुलर टू द कोस्ट, लेकिन उसके वजह से सी सरफेस बिकम ऑब्लिक. यस और नो? जिसको आपने देखा था श्वास को बिकमिंग ऑब्लिक, देयर विंड इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द कोस्ट, एंड देन दे स्टार्टेड व्हाट? डिफ्लेक्टिंग द सैंड पार्टिकल. और यहां से नहीं उठा पा रहा है, रीजन बिहाइंड देयर इज इन अ वेजिटेशन. तो वेजिटेशन आर एबल टू होल्ड द सैंड, वहां से सैंड विल बी लेस अपलिफ्टेड. बट यहां से सैंड इट इज इन अ कीप ऑन अपलिफ्टिंग, कीप ऑन अपलिफ्टिंग. समझ में आ गया? सो ये बरखान के अपोजिट लग रहा है. Barkhan was like this, wind is coming from this side and is opposite to Barkhan. And horn kidhar develop hua? The direction where the, from where wind is coming. From where the wind is coming, the horn developed in that direction. Understood it? Yes. So yahan par kab tak deflect karega? Jab tak ki water table achieve na ho jaye. Jaise hi water table achieve hoga, then upliftment and deflation has been stopped. To pehle kya banayega? Deflation hollow. Understood? And their side will be what? Horn, because of vegetation. Understood it? Clear? इस तरीके से coastal region में you can be able to see. Understood? Deflation hollow it is creating, and there is a vegetation where the horn is developing. So this is, I said that positional landform, and the positional landforms are longitudinal sand dune, transverse, star, and then
parabolic, sorry, बरखान एंड पैराबोलिक. सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस. और आपका एक बचा हुआ है वो है कास्ट लैंडफॉर्म. ये आधा पौन घंटे का है लेकिन मेरा अब बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं आपको आगे लूँ. ठीक है. सो कभी इसका जो कास्ट लैंडफॉर्म कभी और होगा. टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्लाइमेटोलॉजी. अंडरस्टूड इट? एंड वी विल मीट.